हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सर स्टूडेंट्स, हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ रहे थे कि वो जो पारिस्थितिकी है वो क्या होती है, ठीक है, वो पढ़ा हमने। देन हमने पढ़ा कि वो मतलब उसके अंदर हमने ऐसे बोला कि जीव क्या करते, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो एक दूसरे इंटरेक्शंस करते हैं, तो उनके बीच में वो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम वो जीव एक दूसरे पर निर्भर है, वो क्यों निर्भर है, वो क्रियाएं, वो रिलेशनशिप जो हम बोल रहे हैं कि उनके बीच में पारस्परिक संबंध होता है, वो संबंध क्यों, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने पढ़ा। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, हमें नेक्स्ट ये चीज़ पढ़नी है कि वो जो हमने ऐसे बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो मतलब निर्भर करते हैं जीव, तो जीवों के लिए वो ज़रूरी क्यों है, उसकी हर एक कंडीशन के लिए इकोलॉजी जो हमने बोला, पारिस्थितिकी जो बोला, वो क्यों ज़रूरी है, हम कैसे कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होना ज़रूरी है, कैसे सभी जीवों के बीच में जो संबंध होता है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी। इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है कि अगर हम एक तरीके से इस टॉपिक को नाम दे तो वो क्या, कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे पहले बात तो उसकी हम करें कि वो जरूरी क्यों है, उस बात की तरफ हम जाए, इस पॉइंट की तरफ जाए कि जरूरी क्यों, तो उसके अंदर क्या है, वो क्यों जरूरी है। देखिए हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के निर्भर रहते हैं, इन पर किस पर निर्भर करते हैं, हम निर्भर करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो तत्व हैं, जो कारक हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं हम, ठीक है। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सांस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एनवायरनमेंट से मिलेगी। हर एक चीज़ जो है वो हमें कहाँ से चाहिए, एनवायरनमेंट से चाहिए। उन संसाधनों का हम यूज़ करते हैं, इसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। मेटल्स की बात करते हैं, वो मेटल्स हमें कहाँ से, वो यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो हम सब तरीके से क्या कर रहे हैं, सभी जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कंपोनेंट्स, बायोटिक एबायोटिक, वो सब डिपेंड करते हैं किस पे, एक दूसरे पे। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेटल्स है उसका यूज किया जाता है, ये जो मेटल्स होते हैं मेनली, हम ऐसा बोलते हैं कि मेटल्स होते हैं, धातु, ये मेटल्स होते हैं, सभी टाइप के धातु जो होते हैं यूज करते हैं हम किस न किस चीज़ को बनाने में, ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, मिलते कहाँ से हैं, तो ये हमें खनिजों से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये खनिजों से प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, ये हमें उनसे मिलते हैं, जिनका यूज़ हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स अपने आसपास की वो चीज़ें बनाने में करते हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक वर्ड आपने खुद ने सुना होगा, संसाधन, जिसको हम बोलते हैं संसाधन या फिर रिसोर्सेस, उसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं और जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन पे निर्भर रहेंगे, इसलिए ज़रूरी है पारिस्थितिकी। हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज किसको बोलेंगे, हम रिसोर्सेज या फिर क्या, संसाधन, ये संसाधन हम किसको बोलेंगे। देखिए ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से मिल रही है लेकिन हमको क्या है, उनकी ज़रूरत है, वो चीज़ हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसकी एक्टिविटीज जो हैं उससे हम प्रभावित होते हैं, वो रिलेशनशिप जो है वही तो होता है पारिस्थितिकी। सभी जीवों का रिलेशन आपस में क्या होता है, वो पारिस्थितिकी होता है, वो इकोलॉजी होता है,
ठीक है, हम यहाँ पे अगर बोले कि रिसोर्सेज, कि हम ऐसे बोले कि व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होते क्या है, तो हमें यही नहीं पता होगा कि संसाधन क्या होते हैं, तो उस वोटेज का आंसर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ जिनकी हमें जरूरत होती है और उनका हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम दे तो वो कैसे देंगे, जिन पदार्थों की हमको क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहते हैं, हम उस पे निर्भर करते हैं, हम वो साधन क्या कहलाते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं, वो रिसोर्सेस कहलाते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है। अब अगर फॉर एग्जांपल बात करें कि हम किन चीजों को बोलेंगे ये चीजें संसाधन में है, वो चीजें, ये चीज आप पढ़ते आए बचपन से कि कुछ नवीकरणीय होते हैं, कुछ अनवीकरणीय होते हैं, पुराने टाइम में उथल पुथल हुई थी, उनका फॉर्मेशन हुआ था, अभी वो दोबारा नहीं बन सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, वो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं वो। अब जैसे हम एक बात कर, से हम यूज लेते हैं जनरली क्या, जैसे पेट्रोलियम है, जो हम पेट्रोल यूज लेते हैं, वो डायरेक्ट वो पेट्रोलियम नहीं है, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये पेट्रोल है, डीजल है, चारकोल है, ये सारी चीजें किसके प्रोडक्ट्स हैं, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। नोट, ये पेट्रोलियम जो है ये पेट्रोल नहीं है, उसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो पेट्रोलियम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। पहली बात ये हो गई, क्या जैसे कोयला है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, और भी जो मतलब गैस है, बहुत ऐसे प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैसेस, ये चीजें मतलब इस टाइप की हैं, जो हमें कहाँ से मिलती हैं, जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं और जो हमारे लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, और इनका हम क्या करते हैं, इनका हम यूज करते हैं, इसलिए हम जरूरी है, हमारे लिए पारिस्थितिकी जरूरी है, इकोलॉजी जो है वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम अपनी हर एक जरूरत के लिए किस पे निर्भर करते हैं, हम पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, उसके जैविक अजैविक घटकों पे निर्भर करते हैं और उनके बीच का जो रिलेशन होता है, इसीलिए हमने क्या बोला कि जो पारिस्थितिकी है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोयला चाहिए किसी काम के लिए, किसी के लिए पेट्रोलियम चाहिए, गाड़ी वगैरह जो भी चलते किसी चलती है पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसी से तो चलती है, किसी के अंदर पेट्रोल डलता है, किसी के अंदर डीजल डलता है, तो वो किसके प्रोडक्ट्स हैं, वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, वो चीज जरूरी है, इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी है। इसके अलावा और ये जो पेट्रोलियम और ये सब चीजें, इसका हम किसके रूप में यूज करते हैं, इन सबका हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, किसके रूप में यूज करते हैं इनका, हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं इनको, कि ये जो चीजें हैं। अब इसके अलावा देखिए, इनका यूज हम कर रहे हैं ईंधन के रूप में, कहाँ कहाँ करेंगे, आप देखते हो हर चीज की क्या आजकल फैक्ट्रीज जो हैं वो बनी हुई हैं, तो घर में तो हम यूज करते ही हैं इनको, खुद की एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा जो औद्योगिक ईंधन जिसको हम बोलते हैं उसके रूप में भी इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इन चीजों का किस रूप में यूज करेंगे हम, घरेलू तो है ही, इसके साथ में क्या औद्योगिक रूप में भी, औद्योगिक ईंधन के रूप में हम इनका यूज करते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं, प्राकृतिक तत्वों का यूज करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी है। अब आया आपको समझ में कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया तो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कम्प्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा पाएगी, इसलिए ना तो आपको कहीं कोचिंग जाना है, ना पैसे वेस्ट करना है, और अगर आपके पीछे के वीडियो छूट गए हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, वहां आपको चैप्टर टू चैप्टर, टॉपिक टू टॉपिक पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट मिलेगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी के बारे में कि जो पारिस्थितिकी है वो जरूरी क्यों है, पहले हमने देखा वो क्या होती है,
उसके आपस में जीव निर्भर कैसे होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, वो इसलिए जरूरी है। अब नेक्स्ट ये देखा, ईंधन है कहाँ से मिल रहा है, एनवायरमेंट से मिल रहा है। दूसरी चीज, सभी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसका यूज करते हैं, उनको हम संसाधन बोलते हैं। जो मतलब जिसको नवीकरणीय अनवीनीकरणीय जो आप एसएस में पढ़ते आए हो अब तक, वो चीजें क्या है, वो संसाधन है। और एक्चुअल में देखें तो वो क्या है, वो पारिस्थितिकी में है, वो इकोलॉजी में है, क्योंकि सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं, इकोलॉजी में आ रही है, इसलिए पारिस्थितिकी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड यूज लिया संसाधन। संसाधन क्या, जिन चीजों की जरूरत होती है, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं और हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो संसाधन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक देखते हैं कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है वो किसको बोलते हैं हम और वो क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज या फिर प्राकृतिक संसाधन, देखिए सबसे पहले तो ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ, किसी भी वर्ड की डेफिनेशन या उस वर्ड के बारे में जानने से पहले, मतलब उसका मतलब क्या होता है, पहले आप उस वर्ड को ही देखो कि वो वर्ड क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन क्या होते हैं, ऐसी चीजें जिनकी हमें जरूरत होती है और हमें एनवायरमेंट से मिलती है, वो क्या हो गई, संसाधन। प्रकृति से प्राप्त हो रही चीज तो हमने उसको प्राकृतिक संसाधन नाम दे दिया, जिन चीजों की जरूरत है वो संसाधन हो गए, और जो प्रकृति से मिल रहे हैं हमें वो क्या होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब जो प्राकृतिक संसाधन है तो कहाँ पाए जाएंगे, प्रकृति में पाए जाएंगे, एनवायरमेंट में पाए जाएंगे। एनवायरमेंट के अंदर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर उपस्थित होते हैं। कौन से संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब इसके अंदर क्या, सभी जो जीव होते हैं उनके लिए संसाधन जरूरी है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो सभी जीवों के लिए जरूरी है। वो क्यों जरूरी है देखते हैं हम अभी, क्योंकि सभी जीव किस पे डिपेंड करते हैं, सजीवों के लिए क्या जरूरी है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम ये देखें कि ये प्राकृतिक संसाधन जो वर्ड हमने यूज लिया, इसमें आता क्या क्या है, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो आप अपने चारों तरफ देखते हो, जो आप यूज लेते हो। पानी आता है, ताप आता है, जो जितने भी प्राणी होते हैं वो आते हैं, खनिज आता है, सनलाइट आती है, कौन कौन से हो गए प्राकृतिक संसाधन, हवा है, ताप, पानी, मिनरल्स, खनिज, सभी प्राणी, वनस्पति, ये सभी किसके अंदर आते हैं, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं ऑलरेडी, पहले से जो संसाधन हमें मिले हैं वो क्या हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है, हमने बनाया नहीं है उनको, प्रकृति ने हमें वो अपने आप दिए हैं तैयार करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रकृति पे निर्भर करते हैं, हम एनवायरनमेंट पे निर्भर करते हैं, इसलिए पारिस्थितिकी जरूरी है, क्योंकि ये सारे तंत्र किसके अंदर आते हैं, एनवायरनमेंट किसके अंदर आता है, वो पर्यावरण के अंदर आता है। तो हम इन चीजों के लिए, इन सब पे डिपेंड करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पे, तो वो चीजें किसके अंदर आती हैं, वो इकोलॉजी में आती है, इसलिए इकोलॉजी जरूरी है। ठीक है, तो सभी जीव क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए संसाधनों पर, प्रकृति पर, नेचर पर, पर्यावरण पर, और ओवरऑल क्या, पारिस्थितिकी पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं अपनी चीजों के लिए, इसलिए पारिस्थितिकी जरूरी है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट बात आती है क्या, आज का जो क्वेश्चन होता है उसकी, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, आपको ये बताना है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो क्रिया होती है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम एनवायरनमेंट से वायु लेते हैं, वो तो रेस्पिरेशन होता है कि वायु का आदान प्रदान और एक्सचेंज हो रहा है, O2 आ रही है, CO2 जा रही है। तो आपको ये बताना है कि एक बार में हम हमारे लंग्स के अंदर कितनी वायु मैक्सिमम भर सकते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आपका जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे कि उसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सभी जीव, हमारे हार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा दिल जो है वो धड़कता है। उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि उसके जो आवाज़ होती है, हम जिसको बोलते हैं कि वो धड़कन हो रही है, उसके अंदर वो ध्वनि होती है, उसका नाम बताना है, उस आवाज़ का नाम बताना है। तो उन ध्वनियों का नाम होता है लब और डब। वो धड़कन वड़कन जो भी बोलते हैं ना, वो ये होती है,
वो ध्वनियाँ होती हैं और वो कुछ धड़कन नहीं होते, क्या वो ब्लड का पंपिंग होती है, तब ये ध्वनियाँ जो है उत्पन्न होती हैं लब की और डब की। ये है जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।